हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। इंडी एथनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा अनारकली वाला ड्रेस, गाउन, जो भी फुल लेंथ का आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी है बनाने। आप देख सकते हैं नीचे बॉर्डर भी ऐड हुआ है, बहुत सारा फ्लेयर भी है, सिंपल भी है बट बहुत ही एलिगेंट है। आज मैं यही ड्रेस आपको बताने वाली हूँ जो कि आजकल बहुत इन है। तो इसमें 16 कलियों वाला मैं ड्रेस बना रही हूँ, तो टोटल 16 कली है। कलियों का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, चेस्ट का नाप लीजिए, पूरा मार्जिन ऐड करिए, आपको कितना करना है उसको कलियों से आप डिवाइड करिए, जितनी कली है उससे डिवाइड करिए आप। तो लगभग 2.8 आया, मैं उसको राउंड में 3 इंच मान रही हूँ, तो 3 इंच मेरा आ रहा है। अपर कली हम 3 इंच रखेंगे, जो लोअर है 9 रखेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। शोल्डर 8 अगर कट स्लीव, और नॉर्मल तो 7.5 में रख रही हूँ, आर्म होल भी 7.5, चेस्ट 11.5, 10 मेरा मेजरमेंट है 40 का, 1 फुट 10, 1.5 इंच में ऐड कर रही हूँ मार्जिन क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ फिट चाहिए, अगर फिटिंग चाहिए तो 1 इंच। 10.5 वेस्ट है, आप देख सकते हैं सारा मेजरमेंट। हिप 12 है, इसमें 2 इंच में ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा। आप अपने कितनी फिटिंग और कितना लूज़ पहनना उसके अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट तय करें। तो देखिए, हम ब्राउन पेपर ले लेंगे डबल फोल्ड करके, और सबसे पहले कितने लेंथ की आपकी ड्रेस है उसको आपको है, तो 48-49 के लगभग मेरा कपड़ा है। तो एकदम एग्जैक्ट आप ब्राउन पेपर लीजिएगा, जितना लंबा आपका कपड़ा है तो इतना हम अपना लेंथ निकालने के बाद एक्स्ट्रा हम पेपर कट कर देंगे। ब्राउन पेपर लेंगे तो आपको पूरा लेंथ मिल जाएगा, अगर नहीं है ब्राउन पेपर तो आप 2 चार्ट्स को जोड़ लीजिए, उसके बाद ये बनाइएगा। तो इस तरह से डबल फोल्ड हमने कर लिया है अपने ब्राउन पेपर को। तो जैसा कि मैंने बताया था, 3 इंच की हमारी अपर कली है तो उसका हाफ 1.5 इंच होगा, तो हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड है, तो हर कुछ हाफ में हम मार्क करेंगे। 3 का हाफ 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद नीचे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो हमारे हाँ आर्म होल का निशान है उसको हम मार्क करेंगे, आपका जो भी है उसको मार्क करिए। उसके बाद 7.5 इंच में और वेस्ट का करूँगी, वैसे स्टैंडर्ड 7 होता है पर मैं 7.5 कर रही हूँ, उससे फिर 7.5 में करूँगी हिप के लिए, वो भी स्टैंडर्ड 7 ही होता है। थोड़े लंबे हैं तो आप 7.5 रखा करें, और मीडियम हाइट है तो 7 रखा करें। देख लीजिए आपका हिप का पूरा आ रहा है सही लंबाई, उतना चेक कर लें, और जहाँ भी हमने मार्क लगाया उसको सीधी लाइन आप स्ट्रेट खींच लीजिए। फिर उसके बाद हम उस पर मेजरमेंट्स को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ऊपर 1.5 इंच हमने कर लिया है, जहाँ हमने आर्म होल का लगाया वहाँ भी हम 1.5 इंच लगाएंगे, फिर वेस्ट पे भी 1.5 इंच लगाएं क्योंकि वेस्ट तक अनारकली में पूरा फिटेड स्ट्रेट आता है, उसके बाद हम घेरे को खोलते हैं। तो हिप पे हम 2 इंच लगा रहे हैं जिससे थोड़ा सा ये खुले यहाँ से घेरा, और उसके बाद तो नीचे हम जितना चाहें उतना घेरा खोल सकते हैं। तो ये देखिए वेस्ट तक एकदम स्ट्रेट है, उसके बाद हल्का सा हमने आधा इंच बढ़ाया है। अगर आप थोड़े हेल्दी साइड में हैं तो वेस्ट तक फिट रखें, उसके बाद घेरा खोल दें, और आप अगर दुबले पतले हैं और आपको नीचे तक हिप तक स्ट्रेट जाना है, आपको वैसा पसंद है, तो आप हिप तक स्ट्रेट 1.5 इंच लगा सकते हैं, उसके बाद आप घेरे को खोल सकते हैं। तो देखिए वेस्ट से हिप तक थोड़ा सा स्लाइड सा कर्व हो गया है। अब ये नीचे की हम मार्क करेंगे, तो हमने बताया था कि लोअर कली 9 इंच की है जैसा कि, और इसका हाफ होगा 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पे लोअर कली के लिए मार्क करेंगे। ये आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं कपड़ा 3 मीटर ले रही हूँ, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। वैसे ये 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप नीचे कितना घेरा अपनी कली में देना चाहते हैं। इतना 9 इंच है, इनफ है, अगर आप इससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये 3 मीटर में कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, ये डबल एक्सल साइज का ड्रेस है। आप अगर दुबले पतले हैं तो आपको तो आराम से 3 मीटर में स्लीव्स और पूरा अच्छे से बन जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी डॉट्स लगा लेंगे क्योंकि आपको पता है इतनी सारी कलियाँ कटेंगी, उनको जोड़ने में काफ़ी कपड़ा वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप रखें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा रखें। तो देखिए इस तरह से हमारी कलियों की मार्किंग हो चुकी है, और इसको हम कट कर लेंगे। अनारकली ड्रेस बनाने में या अनारकली कुर्ता बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कली की मार्किंग करना और कलियों को कट करना। ये अगर आपका हो गया तो आप समझिए आपका सारा काम लगभग हो चुका है। सबसे टफ यही है, बस कली का मेजरमेंट सही करिए, आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा अगर कली की मेजरमेंट सही है तो। ये देखिए हमारी कली पूरी तैयार हो चुकी है, हम अपने कपड़े पर कट करेंगे। इधर से देखिए खुला पार्ट है और इधर से बंद है, एक के बाद एक कली हम इसी पे रख के कट करते हुए जाएंगे। खुले पार्ट से हम शुरू करेंगे, उससे कट करेंगे। तो देखिए पहले हम कली को लेंगे,
और इस तरह से प्लेस करेंगे। सॉरी मैं दूसरा कपड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने जो मेन कपड़ा था वो कट करते समय मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया था और मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। मुझे एकदम नहीं ध्यान रहा इसलिए मैं दूसरे कपड़े बता रही हूँ, और एक बार जब कट गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो सॉरी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है कलियों वाली कुर्ती, आप वहाँ भी देख सकते हैं कैसे कपड़े पे कट कर सकते हैं। पर यही है, कलियों को रखिए, पिंस लीजिए, उसको टक कर दीजिए अच्छे से जिससे आपका कली पेपर वाला इधर उधर ना हो। उसके बाद आप चॉक से मार्क कर लीजिए कली के किनारे किनारे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दीजिएगा इस तरह से। एक साथ दो कली इस तरह से कट जाएगी, तो इसी तरह पूरा कपड़ा फैला होगा, वन बाय वन आप कली रखते जाएंगे और आप कली कट कर लेंगे जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कट करने के बाद पिंस निकाल लीजिए, ये उठा लीजिए अपने पेपर को, उसके बाद इस तरह से रिवर्स में आप प्लेस करेंगे, और इस तरह से उसके बाद फिर से चॉक से हम मार्क कर लेंगे और पिंस लगा के फिर से अपने कट कर लेंगे। फिर इसी तरह रिवर्स उल्टा पुल्टा करके आपको कट करना है। तो इस तरह से देखिए, आठ आठ कली मतलब 16 हमने कट कर लिया, आठ फ्रंट के लिए और आठ बैक के लिए, मतलब एट एट हमने कलियों को कट कर लिया है। अब इस तरह से हम इसको एक जोड़ते जाएंगे, सीधी और फिर उल्टा, सीधा उल्टा कपड़ा रख के आठ एक साथ और आठ एक साथ हम जोड़ लेंगे। तो चलिए हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं और अपनी कलियों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, एक कली का सीधा साइड लीजिए और दूसरे कली का उल्टा साइड लीजिए और इस तरह से आप जोड़ लीजिए। तो आठ कलियों को हमें एक साथ जोड़ के फ्रंट पल्ला तैयार करना, आठ कलियों को एक साथ जोड़ के हमें बैक पल्ला तैयार करना है। तो इस तरह से हम अपनी कलियों को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से सीधी सीधी सिलाई हम चला लेंगे। उसके बाद हम इंटरलॉक भी अपनी कलियों को कर लेंगे। उसके बाद देखिए, फिर हम तीसरी कली को जोड़ेंगे, सीधे के साथ उल्टा, सीधे के साथ उल्टा, ऐसे कर करके आपको आठ कलियों को जोड़ लेना है। और उसके बाद इंटरलॉक भी ज़रूर करना, क्योंकि हम कपड़े को इतने टुकड़ों में बांट रहे हैं तो इंटरलॉक कर लेंगे तो थोड़ा सा कपड़े में मजबूती आ जाएगी। तो पहले एक सीधी सिलाई चला लीजिए, फिर इंटरलॉक कर लीजिए, इंटरलॉक भी ज़रूरी है जिससे कपड़े में थोड़ा सा मजबूती रहेगा। तो इस तरह से आप सीधा सीधा कलियों को जोड़ते जाइए और दोनों पल्लों को इसी तरह जोड़ते हुए तैयार कर लीजिए। तो वही सीधा उल्टा करते हुए आपको कलियों को जोड़ना है। आठ आठ कली पल जोड़ के एक पल्ला, दो पल्ले तैयार कर लेने हैं आपको। तो बहुत ही आसान है ये ड्रेस को बताना, बस आप ध्यान से देखिएगा। और सॉरी, जो मैंने फैब्रिक को कलियों को कट करने में थोड़ा सा दूसरा फैब्रिक दिखाया, बट उसी तरह कट करना है, फैब्रिक आप कोई भी यूज़ करो, तो थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। तो इस तरह देखिए, हमने पूरा आठ कली जोड़ लिया है। इस तरह देखिए, इंटरलॉक भी हमने सारी कलियों को कर दिया है। अब ऊपर से एक टॉप स्टिच हम सारी कलियों जहाँ जहाँ जोड़ है ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। इससे कलियाँ बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं, उठी उठी नहीं लगती, एक अच्छा सा लुक आता है। तो जहाँ भी जोड़ है आप ऊपर से एक टॉप स्टिच ज़रूर चला लीजिएगा दोनों पल्लों पर। उसके बाद हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। तो देखिए, डबल फोल्ड करके हमने दोनों पल्लों को एक साथ अच्छे से रख लिया है। एकदम अच्छे से आप फैब्रिक को फैला दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। देखिए, उधर बंद है और इधर खुला है। उसके बाद हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं बोट नेक बना रही हूँ और कट स्लिप भी बना रही हूँ, इसलिए मैं 8 इंच ले रही हूँ। और अगर आप स्लिप्स लगा रहे हैं तो आप कम रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 8 इंच में रख रही हूँ और नीचे आर्म होल के लिए मैं 7.5 या 7.25 इंच रख रही हूँ, क्योंकि कट स्लीव है तो थोड़ा कम रखना होगा, क्योंकि इसमें हम शोल्डर स्लोप भी नहीं कट करेंगे, बोट नेक में शोल्डर स्लोप नहीं कट करते हैं। तो इस तरह से क्रॉस चेक कर लीजिए 8 इंच, और इसको दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप बॉक्स बना लीजिए। इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा। और अपने मार्क को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी फैब्रिक बहुत मल्टी कलर है। तो इस तरह से हम आर्म होल पहले करेंगे। तो 1.5 इंच पे मैं बैक के लिए लगा ली हूँ, और इस तरह 1.5 इंच लगाने के बाद हम
कर्व दे देंगे, आराम से आर्म होल आपका तैयार हो जाएगा बैक के लिए। उसके बाद हम फ्रंट के लिए 1 इंच पे लगाएंगे इस तरह से, और जो भी आपका आर्म होल है उसके हाफ पे आप मार्क करिएगा, उसके हाफ पे आप इस तरह मार्क करेंगे और बाहरी साइड में 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, और बस इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान है, फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल कर्व आपका तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों आर्म होल आपका कर्व तैयार हो चुका है। अब इसमें शोल्डर स्लोप कट नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसके गले के लिए हम क्या करें। गले के लिए मैं बोट नेक बना रही, तो 4.5 या 5 इंच पे आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं 4.5 इंच पे और नीचे 4 इंच पे कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल मैं इसको बनाना चाहती हूँ। आप चाहें तो बहुत तरह तरह से गला बना सकते हैं, पर ये इतना फ्लावरी है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना चाहती, इसलिए सिंपल बना रही हूँ। तो गला भी हमारा फ्रंट बैक दोनों बराबर ही रहेगा। उसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, 11.5 इंच में ले रही हूँ। थोड़ा अगर आप लूज फिट पहनते हैं तो लगभग जो भी आपका है उसमें 1.5 इंच जोड़ लें, अगर फिटिंग पहनते हो तो 1 इंच जोड़ें। वेस्ट के लिए 10.5 पे, जो कि मैंने पहले बताया था, वो मैं कर लगा रही हूँ। और हिप पे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ 10 में, इसलिए मैं 12 रख रही हूँ। वैसे फिटिंग का 11 ही है, पर थोड़ा लूज फिट चाहिए क्योंकि घेरा अच्छे से आए, अनारकली थोड़ा सा हिप पे ढीली अच्छी लगती है, तो यहाँ पे 12 इंच में लगा रही हूँ। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल से जोड़ देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी आराम से जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी थोड़ा सा 2 इंच पे अंदाजे से ही आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लीजिए। तो ये ऊपर का सारा मार्किंग हो गया। अब नीचे से हमें ए लाइन शेप देते हुए पूरा घेरा हमें ले लेना है। पूरा मैं कवर नहीं कर पा रही, पर इसी तरह से करते हुए नीचे तक ए लाइन में पूरे फ्रॉक को कवर कर लेना है और फिर कटिंग कर लेनी। तो पहले देख लीजिए, ऊपर से हम ही कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक कट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हम अपने पूरा फैब्रिक कट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है अनारकली बनाना ड्रेस। तो लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊंगी इसमें बॉर्डर कैसे ऐड करना है। और अभी समर्स हैं तो फ्लोरल बहुत इन है, स्पेशली मस्टर्ड येलो कलर के फैब्रिक्स बहुत इन है इस सीजन में। तो अगर आपको कुछ भी येलो दिखता है तो आप ज़रूर ड्रेस ट्राई करिएगा, कुर्ता ट्राई करिएगा, जो भी आपको पसंद हो। बट येलो कलर तो इस सीज़न में मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। अगर आपको मिले तो ज़रूर ट्राई करिएगा येलो कलर में। तो देखिए, हम दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे, उसके बाद हम अपना फ्रंट का जो आर्म होल का कर्व है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना जो मार्क हमने फिटिंग का किया था उसको हम दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे इस तरह से, और इसको डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गले का फिनिशिंग करेंगे। इसका हम मैं बायस जो स्ट्रिप होती हैं, पट्टियाँ जो तिकोनी हम कट करते हैं, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको पट्टी को जोड़ लेंगे। हमेशा मैं बोटनेक पट्टियों से ही बनाती हूँ, और यकीन मानिए बहुत अच्छा बनता है, बुकरम की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी पट्टी से ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से पट्टी हम लगा लेंगे, और फिर देखिए पट्टी को हम पीछे की तरफ पलट के ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। बहुत ही आसान है, पट्टी से आप बनाते हैं तो इस तरह से ऊपर से सिलाई चला लेंगे हम। तो इसी तरह हम फ्रंट और बैक दोनों गला फिनिश कर लेंगे। फ्रंट और बैक में दोनों अलग अलग तरह की मैं पट्टियाँ यूज़ कर रही हूँ, जिससे डिफरेंस बाद में पता चले। देखिए, पीछे करके हम एक डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा गला आराम से फिनिश हो चुका है। इसी तरह हम ये फ्रंट का गला, इसी तरह हम बैक का भी गला फिनिश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कंधों को जोड़ेंगे और उसके बाद आर्म होल को फिनिश करेंगे। तो ऊपर का लगभग सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, हमारे दोनों गला हमने फिनिश कर लिया है, और दोनों में अलग अलग पट्टियाँ जोड़ी हैं, जिससे पता चले फ्रंट और बैक कौन सा, क्योंकि बोट नेक में हमेशा ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप अलग अलग पट्टियाँ यूज़ करें, जिससे इजी रहे कि फ्रंट का कौन सा गला है और बैक का कौन सा है। उसके बाद हम दोनों कंधों को अपने जोड़ लेंगे, डबल सिलाई करके आप इंटरलॉक कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने आर्म होल को भी इन्हीं पट्टियों से फिनिश करेंगे। आप कंट्रास्ट में कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है। आप चाहें तो
सेम कलर का ले सकते हैं, सेम फैब्रिक ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस तरह से हम तिकोनी पट्टियाँ जो हम क्रॉस में कट करते हैं वो वाली पट्टियाँ हैं, उससे हम फिनिश कर लेंगे। वैसे आम होल के लिए तो आप सीधी पट्टी भी ले लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने गला फिनिश किया था उसी तरीके से हम दोनों आम होल भी फिनिश कर लेंगे। पट्टियों को जोड़ेंगे, पीछे पलट के सिलाई चला के डबल फोल्ड करके एक बार सिलाई चला देंगे, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पीछे मोड़ के ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे और हल्का सा इस तरह से हम फैब्रिक को रखेंगे कि एक पाइपिंग का लुक आए। तो इस तरह से पाइपिंग जैसा लुक देते हुए हम अपनी सिलाई चला लेंगे और इसी तरह हम दोनों आर्म होल को फिनिश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर हमें कैसे अटैच करना है। तो देखिए हम पीछे की तरफ मोड़ के जैसे मैंने बताया था डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक सिलाई चला लेंगे, बस हमारा आर्म होल भी दोनों तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है बनाना। लग रहा होगा, लगता है टफ है लेकिन बहुत ही आसान है, पर पहन के बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही फ्लोई सा और बहुत ही घेरदार सा। और अभी आजकल ड्रेस तो बहुत ही इन है, वैसे आजकल बहुत अच्छा है फैशन के लिए, छोटे ड्रेसेस भी इन है, लॉन्ग वाले भी ड्रेस इन है, आपकी जो मर्जी चाहे आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दोनों गला एकदम तैयार हो चुका है, दोनों में हमने अलग अलग पट्टियाँ यूज़ की हैं जिससे डिफरेंस पता चले। और देखिए हमने आम वूल भी अपना फिनिश कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे बताएंगे आपको कैसे बॉर्डर को अटैच करना है। तो इसमें हम एक बॉर्डर यूज़ करेंगे ये वाला, ये इस फैब्रिक के साथ बॉर्डर नहीं था, ये मेरे किसी पुराने दुपट्टे का है, मैंने कट करके रखा था क्योंकि दुपट्टा ख़राब हो गया था। तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, आप नीचे भी लगा सकते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगी नीचे कैसे लटका के जो बॉर्डर लगाते हैं वो कैसे लगाएं। तो उसी के नाप का एक प्लेन फैब्रिक भी आप कट कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले चलिए हम अपना लेस तैयार कर लेते हैं बॉर्डर, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना। तो देखिए अपना बॉर्डर लीजिए, उसका सीधा साइड, और उस पर ये प्लेन कपड़ा आप कंट्रास्ट में या सेम जो भी है ले लीजिए और उस पर सिलाई पूरा लगा दीजिए। सीधे साइड का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें आप इस तरह से फैब्रिक को जोड़ेंगे, आप सेम भी ले सकते हैं कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पट्टी को जोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे जब आप लटकाते हैं तो सिंगल आप बॉर्डर नहीं लटका सकते, वो डबल लेयर होना चाहिए जिससे कि उसमें एक वजन आए और वो नीचे लटके तो सुंदर लगे। तो इस तरह से देखिए हमने जोड़ दिया है, अब इसको हम पीछे की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से। जैसे हम पट्टियाँ जोड़ के पीछे हम बुकरम या कुछ भी हम बनाते हैं पीछे पलटते हैं, उसी सेम उसी टाइप से आप पीछे पलट दीजिए और ऊपर से एक सिलाई चला दीजिए जिससे ये फैब्रिक इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी है। तो पलट के पीछे साइड में एक ऊपर से आप सिलाई चला दीजिए, इससे आपका बॉर्डर अच्छे से बैठ जाएगा और बॉर्डर में एक अच्छा सा वजन आ जाएगा, एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो दो तीन तरीके हैं बॉर्डर जोड़ने के, आज मैं ये बता रही हूँ और फिर कभी और दूसरे भी तरीके आपको बताऊँगी। तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, आप ज़रूर ये वाला तरीका ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले ऊपर से हम एक सिलाई चला लेंगे, सिलाई चलाने के बाद आप अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए हमने घेरा ले लिया अपना, उसका सीधा साइड लिया है हमने, और ये हमारा देखिए बॉर्डर है, उसका उल्टा साइड हमने ऊपर साइड वाला लिया है, आप देख सकते हैं उल्टा साइड। घेरे का सीधा साइड है स्कर्ट जो हमारी है, और ये जो लेस हमारा उसका उल्टा साइड ऊपर का पार्ट है, उसको हम पूरे घेरे में किनारे किनारे जोड़ेंगे, हम एक एक पल्ले पे जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पहले वाले पल्ले पे आप पूरा लेस जो उल्टा साइड है उसको जोड़ लीजिए, घेरे का सीधा साइड है याद रखिएगा और लेस हमारी उल्टी है। इस तरीके से हम इसको पूरा घेरे में जोड़ लेंगे, इसी तरीके से हम दोनों पल्लों को अपना अलग अलग तैयार करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप घेरे में जोड़ लीजिए अपने बॉर्डर को। अब जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हम नीचे पलट देंगे, देखिए कितने आसानी से हमारा बॉर्डर लग चुका है। बस एक सिलाई और बची है, ये जहाँ से जोड़ का निशान है आप इसको देखिए इस तरीके से, हम ध्यान से देखिए इस तरीके से इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई चला देंगे, इससे नीचे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, सफाई आ जाएगी और जो आपका जोड़ लगा है वो नीचे से भी नहीं दिखाई देगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ऊपर से तो हमारा वो वाला बॉर्डर है ही है, नीचे से भी फिनिशिंग आएगी
जहाँ पे जोड़ है वहीं पे, याद से वहीं पे मोड़ मोड़ के इसको सिलाई करिएगा, जिससे आपका ऊपर नीचे कुछ भी आगे पीछे ना हो, अच्छी फिनिशिंग आपके बॉर्डर में दिखाई दे। तो देखिए इसी तरीके से हमने दोनों पल्लों में अपना बॉर्डर ऐड कर लिया, इसको अच्छे से प्रेस भी कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम अपनी फिटिंग करेंगे, बस ये लास्ट स्टेप है आपको अपने कपड़े की फिटिंग करना है। याद से आपको नीचे से फिटिंग करना है, क्योंकि आप ऊपर से फिटिंग करते हैं और नीचे आते आते थोड़ा भी बॉर्डर इधर उधर हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से नीचे से आप करिए, ऊपर जाते जाते आपका सही आएगा, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपने प्रैक्टिकली बोल रही हूँ कि नीचे से आप शुरू करें, आप चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। तो पूरा घेरा लेते हुए शुरू करिए, वहाँ तक जाइए जहाँ तक आपके हिप का निशान है, उसके बाद आप जो फिटिंग का निशान लगाएं उस पर सिलाई चलाइएगा। तो इस तरह देखिए हम ऊपर आ गए और कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो इस तरह दूसरे साइड का भी हम शुरू करेंगे, और याद से नीचे से ही आप स्टार्ट करिएगा। अगर आप बॉर्डर कोई अटैच कर रहे हैं तो नीचे से करिएगा, पूरा किनारे किनारे ही हम सिलाई लगाएंगे, जिससे पूरा घेरा आए वहाँ तक जाएंगे जहाँ हमने हिप का निशान लगाया। उसके बाद हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। देखिए ऊपर तक हम आके सिलाई कर लिए हैं, और देखिए हमारा ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। काश मैं आपको दिखाती पहन के। तो देखिए बॉर्डर भी बहुत अच्छे से लग चुका है, ड्रेस भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।